किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। पाठ है एक संस्मरण। इसमें लेखक ने श्री हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रानंदन पंत के साथ बिताए जीवन के क्षणों को याद किया है। प्रस्तुत है पाठ का सारांश। इस संस्मरण में बताया गया है कि लेखक को किसी ने ऐसा कुछ कहा कि वह पहली बस पकड़कर दिल्ली आ गया, यानी किसी ने उसे कुछ कह दिया जो उसे बुरा लगा और वह पहली बस पकड़कर के दिल्ली आ गया। उसने सोच लिया था कि अब उसे दिल्ली में रहना है और पेंटिंग का काम सीखना है। लेखक को वकील आर्ट स्कूल में मुफ्त दाखिला मिल गया था। वह करोल बाग में एक कमरा किराए पर लेकर वहाँ रहने लग गया था। वह रास्ते में चलता चलता अंग्रेजी, हिंदी व उर्दू की कविताएं करता था। उसकी आदत सी बन गई थी कविताएं लिखना। वह हर आने जाने वाले चेहरे को ध्यानपूर्वक देखता और उनमें अपनी पेंटिंग के विषय ढूंढता रहता। कुछ साइन बोर्ड पेंट करके तथा कुछ बड़े भाई से प्राप्त धन से गुजारा करता। उसके साथ महाराष्ट्र का एक पत्रकार भी आकर रहने लगा। वह भी बेकार था। वह इलाहाबाद की चर्चा किया करता था। लेखक बहुत अकेलापन और बेचैन सा रहता था। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। एक बार बच्चन जी स्टूडियो में आए, किंतु लेखक क्लास खत्म होने के पश्चात जा चुका था। वे लेखक के लिए एक नोट छोड़कर गए। वह नोट अत्यंत सारगर्भित और प्रभावशाली था। लेखक ने उसके लिए अपने आप को अत्यंत कृतज्ञ अनुभव किया। जवाब में कृतज्ञतापूर्ण एक कविता भी लिखी, किंतु उनके पास कभी भी भेजी नहीं। हरिवंश राय बच्चन जी जब आए तो लेखक उन्हें नहीं मिला। वो एक नोट लिख करके छोड़ गए, लेकिन लेखक ने बदले में उसके कोई जवाब कभी नहीं भेजा, लिख कर रख लिया। कुछ समय बाद दिल्ली में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि लेखक पुनः देहरादून आ गया। वहां आकर लेखक अपनी ससुराल की केमिस्ट और ड्रग्स की दुकान पर कंपाउंडरी का काम सीखने लगा और इस काम में सफल भी हो गया। तभी उनके गुरु श्री शारदा चरण ने पेंटिंग की क्लास बंद कर दी। इससे लेखक को कला बोध की कमी खलने लगी। कलाकार होता है, उसे हमेशा कला की आवश्यकता होती है। जब उसे कला अपनी दिखाने को ना मिले तो उसे कला बोध की कमी खलने लग जाती है। कलात्मकता के अभाव में लेखक अपने आप को बहुत अकेला अनुभव करने लगा था। उनकी आंतरिक रुचियों की किसी को परवाह नहीं थी। इसी उधेड़बुन में उन्होंने एक दिन श्री हरिवंश राय बच्चन को लिखी हुई अपनी कविता पोस्ट कर दी। संयोग ही था कि एक बार बच्चन जी देहरादून आए और लेखक के यहाँ मेहमान बनकर रहे। उन दिनों बच्चन जी साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। उन्हें अत्यंत प्रसिद्धि मिल चुकी थी अपनी कविताओं के द्वारा। लेखक को उस भयानक आंधी की याद आ गई जिसमें असंख्य पेड़ जड़ से उखड़कर गिर पड़े थे और बच्चन जी उन पेड़ों के नीचे आने से बाल बाल बच गए थे। उन्हीं दिनों बच्चन जी को भी अपनी पत्नी श्यामा का वियोग हुआ था। वियोग यानी वो उनकी मृत्यु हो गई थी पत्नी की। वे इतने दुखी थे कि मनो मस्त नृत्य करते शिव से उनकी उमा को छीन लिया गया हो। शिवजी भगवान से उमा देवी को छीन लिया जाना जितना दुखपूर्ण था, उतना ही उनके लिए उनकी पत्नी से अलग होना था। बच्चन जी अपनी बात के धनी थे। एक दिन बहुत बारिश थी और रात के समय उन्हें गाड़ी पकड़नी थी। मेज़बान के रोकने पर भी वे ना रुके। बिस्तर बांधा और कंधे पर रखकर स्टेशन जा पहुँचे। लेखक इस बात को सोचकर हैरान होता है कि वे बच्चन जी के आग्रह पर इलाहाबाद जा पहुँचेंगे। उनकी बच्चन जी से अधिक गहरी जान पहचान नहीं थी।
वे हमेशा एकांत को पसंद करते थे। उन्हें ऐसा भ्रम रहता था कि उनके एकांत में उनके साथ चलने वाला कोई नहीं था। एक और बच्चन जी ने कहा कि देहरादून में रहेगा तो मर जाएगा। उधर केमिस्ट की दुकान पर बैठने वाले डॉक्टर ने भी कहा, इलाहाबाद गया तो वहाँ उसका जीवित रहना असंभव होगा। इस प्रकार वह भ्रमित हो गया, यानी दोनों ने अलग अलग राय दे दी तो वो भ्रमित हो गया, किंतु उसने इलाहाबाद जाने का निश्चय किया। बच्चन जी ने एमए हिंदी की पढ़ाई का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया तथा कहा कि जब कमाएगा तो लौटा देना। बच्चन जी चाहते थे कि वह काम का आदमी बन जाए, किंतु वह न एमए की परीक्षा दे सका और न ही उसे नौकरी मिली। वहाँ रहते हुए लेखक का पंत जी से भी परिचय हुआ। सुमित्रानंदन पंत जी से उनका परिचय हुआ, शमशेर बहादुर सिंह जी का। उनकी कृपा से ही उन्हें कुछ अनुवाद का कार्य मिल गया था। जब लेखक के मन में हिंदी कविता लिखने की रुचि जगी थी, किंतु उन्हें तो अंग्रेजी कविता और उर्दू गज़लें लिखने का अभ्यास था। बच्चन जी भी उनकी कविता की सराहना करते थे और इस प्रकार से उनका हिंदी में लिखने का अभ्यास भी लगातार बढ़ने लग गया था। जाट परिवार से संबंधित होने के कारण भी भाषा की दीवार उन्हें रोक नहीं सकी। लेखक हिंदी की ओर बढ़ने के अपने आकर्षण का कारण निराला, पंत और बच्चन आदि को मानता है। श्री बच्चन जी आदि महान लेखक जो थे, वो इलाहाबाद के अन्य साहित्यकारों से मिलने आते रहते थे और इससे लेखक के उत्साह को बढ़ावा मिलता था। यद्यपि वे हिंदी में बढ़ रही गुटबाजी से दुखी थे, बच्चन जी उस समय इस गुटबाजी के विरुद्ध लड़ रहे थे। सन 1937 में लेखक को लगा कि वह श्री बच्चन जी की भांति फिर से जीवन की ओर लौट रहा है। उसे भी बच्चन जी की भांति ही आर्थिक दृष्टि से सबल होना है। बच्चन जी ने उसे 14 पंक्तियों का नया सोनेट लिखना सिखा दिया था। इसमें बीच में अतुकांत पंक्तियां भी थी और तुकांत भी। अतुकांत होता है जिनमें सीधे तरीके से पंक्तियां लिखी जाती हैं, अंतिम वाले शब्द एक जैसे नहीं होते, और तुकांत पंक्तियां होती हैं जिनमें अंत में एक जैसे शब्द आते हैं। लेखक ने भी कुछ ऐसी ही एक रचना लिखी, लेकिन वह कभी प्रकाशित नहीं हो सकी। लेखक अब श्री बच्चन जी के निशा निमंत्रण से प्रभावित हुआ और कुछ उसी पैटर्न पर कविताएं भी लिखने लगा था। 9 पंक्तियां 3 स्टैंजा। यद्यपि पंत जी ने लेखक की ऐसी कविताओं का संशोधन भी किया, किंतु उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। लेखक द्वारा अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान न दिए जाने पर बच्चन जी बड़े दुखी थे। लेखक एमए की परीक्षा नहीं दे सका, किंतु उसकी हिंदी कविता में रुचि बढ़ती ही जा रही थी। वे एक दिन बच्चन जी के साथ एक कवि सम्मेलन में भाग लेने गए। उनका कविता लिखने का प्रभाव बेकार नहीं गया। उन्हीं दिनों उनकी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया और उन्होंने लेखक को हंस प्रकाशन में काम दिला दिया। इसलिए उन्हें हिंदी में लाने का श्रेय श्री बच्चन जी को जाता है। लेखक का मानना है कि उनके जीवन को नया मोड़ देने के पीछे बच्चन जी की मौन सजग प्रतिभा रही है। उनमें दूसरों की प्रतिभा को व्यक्तित्व प्रदान करने की स्वाभाविक क्षमता विद्यमान है। लेखक बच्चन जी से प्रायः दूर ही रहता था, परंतु उनके लिए दूर और समीप की परिभाषा का कोई तात्पर्य नहीं था। वह नज़दीक लोगों के साथ भी दूरी अनुभव करता रहे और दूर के लोगों के साथ भी बहुत करीब रहे। जिस प्रकार कवि अपनी कविता के माध्यम से अपने बहुत ही करीब रहता है, न वह कविता से कभी मिलता है न कभी बात करता है, फिर भी उसके पास रहता है, ठीक वैसे ही लेखक श्री बच्चन जी के निकट रहा। उनकी यह महानता उनके अच्छे से अच्छे कवि से भी महान है। श्री बच्चन जी ऐसे बहुत से लोगों के करीब रहे।
उनका सहज एवं स्वाभाविक होना लेखक को बहुत अच्छा लगता है। इसी स्वाभाविकता के कारण लेखक अपने आप को मुक्त समझता है। ऐसा अनुभव वो लोगों को भी होता होगा। लेखक को विश्वास है कि बच्चन जैसे लोग दुनिया में हुआ करते हैं। वे असाधारण नहीं होते, होते तो साधारण हैं किंतु होते बिरले हैं और बार बार नहीं मिला करते।